डियर लर्नर्स, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम कैसल वंस अगेन. एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट वेयर 8 पर्संस आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड दे आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर. तो काफी अच्छा क्वेश्चन होने वाला है. नॉट टू इजी, नॉट टू टफ, बट ये क्वेश्चन एट पार है विद द डिफिकल्टी लेवल ऑफ यूअर नॉन कैट एग्जामिनेशन. उसी के साथ अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स, SSC, CGL इन सब एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, तो वहां प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पजल काफी हेल्पफुल आपको साबित हो सकता है. तो जो अप्रोच मैंने इसमें बताया है उसे एक बार समझ लो, उसके बाद में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी. फ्री PDF इस वीडियो का अवेलेबल रहेगा, जो पजल हम सॉल्व कर रहे हैं उसका, तो उसे भी डाउनलोड कर लेना और सेव कर लेना अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए. तो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले, पजल को एक्चुअल कंप्यूटर स्क्रीन पर सॉल्व करने के पहले, आई वुड लाइक टू थैंक द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, दैट इज अनअकैडमी. सो डियर लर्नर्स, अनअकैडमी इज गिविंग यू अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू परचेज 45-day प्लस सब्सक्रिप्शन ओनली एट ₹299. सो अनअकैडमी इज सेलिब्रेटिंग लर्निंग फेस्टिवल फ्रॉम April 23rd टू April 30. सो दिस वीक लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है अनअकैडमी पर, और जिसके काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स है, लाइक लाइव क्लासेस विथ टॉप एजुकेटर्स, 24/7 डाउट सॉल्विंग, गाइडेंस फॉर CBSE बोर्ड प्रिपरेशन एंड पर्सनलाइज एकेडमिक काउंसलिंग. सो 45 days का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको ₹299 में मिल रहा है. इनकेस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NEET UG, उसी के साथ साथ इफ यू आर स्कूल स्टूडेंट या कॉलेज स्टूडेंट जो क्लास 8 से 12 तक किसी भी कोर्स को परचेस करना चाहे, उसी के साथ साथ इफ यू आर IIT एस्पिरेंट, लाइक यू आर टारगेटिंग IIT JEE एग्जामिनेशन फॉर अपकमिंग कैलेंडर, सो ये आपके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है. 45 days प्लस सब्सक्रिप्शन एट ₹299. सो यू कैन एनरोल इन इट यूजिंग माई कोड LKC10. ओके, जो इन्वाइट कोड है मेरा वो वहाँ पर यूज करो, LKC10, और आप जो 45-day प्लस सब्सक्रिप्शन है उसे इजीली ₹299 में परचेस कर सकते हो. सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वैलिडिटी इसकी 30 अप्रैल तक है, और अपनी प्रिपरेशन को आप बहुत अच्छा बूस्ट दे सकते हो. इन केस आप ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो चुका है तो अपने सिबलिंग्स और फ्रेंड्स को सजेस्ट करो जो करंटली 8-12 स्टैंडर्ड में है और टारगेट कर रहे हैं IIT JEE और NEET UG को. सो उन्हें इससे हेल्प हो जाएगी. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. सो डियर लर्नर्स, नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सर्क्यूलर सिटिंग अरेंजमेंट, और यह हमारा सर्क्यूलर सिटिंग अरेंजमेंट पर फर्स्ट पजल है. तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होगा. मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का पजल जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नॉन कैट एग्जामिनेशंस लाइक NMAT, SNAP, IFT, CMAT, उसी के साथ साथ MBA, CET में भी. तो आप इस लेवल के पजल को, मतलब अपना एज अ स्टार्टिंग पॉइंट अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हो. तो देख लेते हैं पजल हमारा. ओके, सो सर्क्यूलर सिटिंग अरेंजमेंट, दिस इज आवर पजल. ओके, सो 8 फ्रेंड्स है और जो कि सिटिंग अराउंड अ सर्क्यूलर टेबल है बट नॉट फेसिंग द सेंटर. तो दे आर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर्स और कुछ कंडीशंस हमें दी हुई है और 5 क्वेश्चंस है इस पर. तो हमारा टास्क है पहले पजल को सॉल्व करके जितनी भी कंडीशंस दी हुई है पजल में उन्हें सेटिस्फाई करना, और उसके बाद फिर कोशिश करना कि हम सारे क्वेश्चंस को सही से आंसर कर पाए. वैसे भी एक बार आप पजल को सॉल्व कर दोगे तो अटेम्प्टिंग एवरी क्वेश्चन विथ 100% एक्यूरेसी इज जस्ट एडेड बोनस. ओके, तो पजल सिर्फ सॉल्व करना जरूरी है विदाउट स्पॉइलिंग एनी कंडीशन. ओके, सो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में कुछ बेसिक्स थोड़े डिस्कस कर लेते हैं जो हमेशा आपको पता रहना चाहिए. ओके, सो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, जैसे दिस इज अवर सर्कल, ये कोई सर्कल है और 8 persons आर सिटिंग अराउंड इट. तो हम पहले 4 जो प्लेसेस रहेंगे तो उन्हें ऐसे डिनोट करेंगे. ओके, सिंपली जो हम डिरेक्शन करते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिंपली, और इसके बीच में फिर अदर persons को अरेंज कर देंगे. सो 8 persons हमें अरेंज करना है. यूजुअली जनरली क्वेश्चंस 8% अज्यूम
अरेंज करने की याद है, यही हम अज्यूम करके चलेंगे। ओके, और आज के पजल में भी हमें 8 पर्सन्स को ही अरेंज करना है अराउंड सर्क्युलर टेबल, तो ये रहता है सेंटर। ओके, आप इसे ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो जैसे कॉलेज में कैंटीन होती है तो वहाँ कोई सर्क्युलर टेबल है, आप कॉफ़ी पी रहे हो अपने दोस्तों के साथ, और उस मैनर में आप अज्यूम कर सकते हो कि सर्क्युलर सिटिंग अरेंजमेंट कैसे हो सकती है। उसी के साथ साथ इसकी मल्टीपल पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, मतलब कुछ कंडीशंस जो होती है वो हमें फुलफिल करने के लिए एक और डायग्राम सेफ्टी के लिए बना के रखना ज़रूरी है। इन केस कोई भी कंडीशन किसी भी डायग्राम में फुलफिल नहीं होती है तो हम उस कंडीशन को डिस्कार्ड करेंगे, उस पॉसिबिलिटी को डिस्कार्ड करेंगे, और जिस पॉसिबिलिटी में पजल में दी हुई सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बस उसे हम अज्यूम करेंगे कि वो हमारी ट्रू पॉसिबिलिटी है और उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में सिंपल, ये आपका सेंटर है और 8 पीपल आर सिटिंग अराउंड इट। ओके, और सिमिलरली हियर, तो यहाँ आप देखो कोई भी पर्सन है जो बैठा है तो इफ़ दे आर फेसिंग सेंटर, मतलब सेंटर के तरफ वो फेस कर रहे हैं, दे आर फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर, तो आप खुद देखो कि आप किसी सेंटर के मतलब सर्कल के सेंटर को फेस कर रहे हो तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी। इफ़ यू आर फेसिंग टूवर्ड्स इट तो ये आपका राइट होगा और ये डायरेक्शन आपकी लेफ्ट होगी। ओके, सिंपल है, जैसे आप यहाँ से भी देख सकते हो कि यहाँ से अगर कोई सेंटर को फेस कर रहा है इस डायरेक्शन में तो ये जो एरिया है ये राइट साइड होगी और इधर का जो एरिया है लेफ्ट साइड होगी, मतलब फेसिंग राइट फेसिंग लेफ्ट। ओके, तो वैसा रहेगा, मतलब इमीजिएट राइट में कौन है, इमीजिएट लेफ्ट में कौन है, या इन जनरल राइट थर्ड में कौन बैठा है, लेफ्ट फोर्थ में कौन बैठा है, ऐसी अलग अलग कंडीशंस हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। आई होप आपने लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का पजल देखा होगा तो उसमें भी मैंने काफ़ी बेसिक से बताया था। ओके, और यहाँ भी जो रिक्वायर्ड बेसिक्स है वो आपको बता रहा हूँ। ओके, वंस अगेन, अब यहाँ देखो ये जैसे हमारा सेंटर है एंड समवन इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब अब इसका राइट और लेफ्ट कैसा होगा, तो चेंज हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा इस केस में जब समवन इज फेसिंग टूवर्ड सेंटर एंड नाउ समवन इज फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। तो इस केस में आप खुद को भी अज्यूम कर सकते हो कि आप सेंटर से अलग फेस कर रहे हो। ओके, तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी राइट और लेफ्ट, तो आपका राइट यहाँ होगा और आपका लेफ्ट ऑब्वियसली यहाँ होगा। यहाँ से भी आप देख सकते हो इफ दिस पर्सन इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, आप खुद को अज्यूम करके रख सकते हो यहाँ कि आप यहाँ बैठे हो तो आपका राइट और लेफ्ट कहाँ होगा, तो अवे फ्रॉम द सेंटर है। ओके, तो ये आपकी राइट डायरेक्शन होगी और ये आपकी लेफ्ट डायरेक्शन होगी। यही अगर टूवर्ड सेंटर होता, मतलब सेंटर के तरफ अगर फेस कर रहा होता तो ये राइट डायरेक्शन होती और ये उसकी लेफ्ट डायरेक्शन होती। डायरेक्शन से मेरा मतलब है पजल में जो हमको कंडीशन दी रहेगी कि सपोज यहाँ पे पी है एंड ही इज फेसिंग द सेंटर। ओके, मतलब ये इसका राइट एरिया होगा, सो आर इज सिटिंग 2 प्लेस अवे फ्रॉम पी, तो आर आपका यहाँ आएगा टू द राइट, आर इज सिटिंग 2 प्लेस टू द राइट फ्रॉम पी, सो 1 2, तो आर आपका यहाँ आया। वही अगर ये अवे फ्रॉम सेंटर है, मतलब इस केस में आपका राइट लेफ्ट ये होगा, फिर से आपको बताना है कि आर इज सिटिंग 2 प्लेस अवे फ्रॉम पी इन राइट डायरेक्शन। ओके, सिंपली अगर ऐसा दिया है तो आप देखोगे 1 2, तो उस केस में आपका आर यहाँ पे आ जाएगा। सो जस्ट लेफ्ट और राइट का हमें ध्यान रखना है, अगर सेंटर को कोई फेस कर रहा है। ओके, फिर से देख लो एक बार, सेंटर को कोई फेस कर रहा है तो क्या डायरेक्शन होगी राइट और लेफ्ट, तो ये जो डायरेक्शन है सो दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। आप खुद को भी अज्यूम करके रख सकते हो यहाँ कि आप सेंटर को इस डायरेक्शन में फेस कर रहे हो तो आपका राइट लेफ्ट कहाँ होगा। वैसे ही यहाँ पे भी एक बार देख लो, जैसे अगर हम इस पर्सन को कंसिडर करें और ये भी अवे फ्रॉम सेंटर है, सेंटर से दूर फेस कर रहा है, तो इसका राइट और लेफ्ट क्या होगा, तो आप खुद को भी अज्यूम करके रख सकते हो ये एरिया राइट होगा और ये एरिया लेफ्ट होगा। ओके, थोड़ा सा कंजस्टेड लग रहा है बट आई गेस इतने बेसिक्स आपको ऑलरेडी पता है और अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। ओके, सो कुछ पॉइंट्स और हैं जो हम
इसे सॉल्व करते करते एक्सप्लेन कर लेंगे वैसे। ओके, तो नेबर्स जो होते हैं, एक पॉइंट और बता देता हूँ, जैसे ये कोई पर्सन है, सपोज दिस इज द पर्सन, ओके ये आपका पर्सन है जो यहाँ पर बैठा है, तो इसके ये नेबर हुए इमीडिएट नेबर, यहाँ जो होगा और यहाँ जो होगा, ये जो दो पर्सन है ये इसके इमीडिएट नेबर रहेंगे। तो इमीडिएट नेबर का टर्म हमें ध्यान में रखना है कि जो एकदम लग के उसे बैठे, एकदम उसके पड़ोसी है, इमीडिएट नेबर्स है। तो इमीडिएट नेबर्स का कंसेप्ट भी आई गेस क्लियर ही है, पजल सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो यू कैन गिव इट अ ट्राई, आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हो या मैं आपको इसे सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे आपको इसे सॉल्व करना है। तो देखो, ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ मल्टीपल पॉसिबिलिटीज को भी बनाएंगे। सो क्वेश्चन है हमारा, एट फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल बट नॉट फेसिंग द सेंटर। एट फ्रेंड्स है, ओके उनके नाम दिए है ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, और वो सर्कुलर सिटिंग पोजिशन में बैठा है अराउंड अ सर्कुलर टेबल, बट दे आर नॉट फेसिंग द सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर है। ओके, तो एट फ्रेंड्स है तो सबसे पहले हम कुछ डायग्राम बना लेते हैं पॉसिबिलिटीज के लिए भी, एक और बना के रख लेते हैं सेफ्टी के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, सिमिलरली हियर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो एट फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल बट नॉट फेसिंग द सेंटर, और वो कहाँ बैठे हैं तो ये अभी हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हमें एक एक कंडीशन को सॉल्व करना होगा। मतलब पजल से आप पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करोगे और फिर उसे फील करोगे, और वो आपको हेल्प करेगा करेक्ट सॉल्यूशन, करेक्ट सिटिंग अरेंजमेंट को फाइंड आउट करने में। तो देखो यहाँ दिया है, एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, मतलब बी जहां भी होगा तो उसके थर्ड राइट में एफ बैठा है। ओके, एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ओके मतलब बी के थर्ड राइट में एफ बैठा है, ये कंफर्म इंफॉर्मेशन है फर्स्ट लाइन से जो हमें मिल रही है। ओके, आगे देखो, ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर बी और एफ, ए जो है ये इमीडिएट नेबर नहीं है बी और एफ का, मतलब अगर ए आपका सपोज यहां रहता सो बी और एफ यहाँ नहीं होते। ओके, मतलब ये इसके इमीडिएट नेबर नहीं होते, और वही वाइसे वर्सा यहाँ पर दिया हुआ है कि ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर बी और एफ, मतलब आपको ध्यान रखना है कि ए जहाँ भी आपका होगा तो उसके इमीडिएट में या तो बी या तो एफ ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो इमीडिएट नेबर्स हो जाएंगे और हमें वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करना है कि वो इमीजिएट नेबर है, बिकॉज क्वेश्चन में पजल में हमसे पूछा गया है, दिया गया है डायरेक्टली कि ए इज नॉट एन इमीजिएट नेबर ऑफ बी और एफ। ओके, फिर एक और क्लू हमें दिया है, सी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब जब भी फोर्थ लेफ्ट और फोर्थ राइट की बात आए तो आप समझना कि डायगोनली अपोजिट बैठे हैं वो, जब भी एट पर्संस है तो आप समझना कि वो एकदम अपोजिट में है। ओके, जब भी फोर प्लेसेस का डिफरेंस दिया रहता है कि समवन इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट और फोर्थ टू द राइट, तो जनरली वो ही होता है। ओके, अभी जस्ट मैं आपको क्लूज बता रहा हूँ, फिर हम इसे सॉल्व भी करेंगे। ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, वू इज नॉट द नेबर ऑफ सी, वू इज नॉट द नेबर ऑफ बी, मतलब सी जो है ये बी का नेबर नहीं है, और यहाँ पे दिया है सी जो है सो ही इज नॉट द नेबर ऑफ बी, और उसी के साथ ये भी दिया है कि ई जो है ये थर्ड राइट में बैठा है डी के, ई और डी के बीच में कुछ रिलेशनशिप है, और यहाँ पे दिया है वो इज नॉट द नेबर ऑफ सी, मतलब डी जो है सी का भी नेबर नहीं है। तो ये कुछ कंडीशंस हमें दी हुई है, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ओके, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। सो जो जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, एक स्टार्टिंग पॉइंट हमें पिक करना होगा हमारे पजल का, कि हम पजल को सॉल्व करना कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज द परफेक्ट बिगिनिंग टू सॉल्व आवर पजल। उसके बाद फिर पॉसिबिलिटी पर हम आएंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हमें ऐसा चाहिए कि जो
दोनों पॉसिबिलिटीज में फिक्स रहे। ओके जस्ट मैं थोड़ा इरेजी कर देता हूँ इसे, फिर से हम बना लेते हैं। तो आउट ऑफ ऑल द क्लूज गिवन, तो फर्स्ट जो क्लू है वो सबसे परफेक्ट क्लू है हमारे लिए कि एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, जो फर्स्ट लाइन है पजल में दी हुई, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फिर से एक बार हम डिज़ाइन कर लेते हैं हमारे सर्कुलर टेबल को। ओके सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस। सो दो सर्कल हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं एक पॉसिबिलिटी के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो, और पर्सन कैसे अरेंज करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 लाइक दैट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी को कुछ भी यहाँ पर अज्यूम कर सकते हो। सो एनीवेज अब जो पजल हमें सॉल्व करना है तो उसमें हमें एक ऐसा क्लू चाहिए जो आइडियल बिगिनिंग हो हमारे लिए और जिसकी हेल्प से हम आगे बढ़ पाए। तो जो फर्स्ट क्लू है कि एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड रिमेंबर एवरीवन इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, नॉट फेसिंग सेंटर मतलब अवे फ्रॉम सेंटर, तो ये जो भी सेंटर है इससे अवे फेस कर रहे हैं, तो हमें राइट और लेफ्ट डिरेक्शन का ध्यान यहाँ पर रखना होगा। ओके सो सबसे पहले एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो बी को पहले फिक्स कर लो। आप बी को कहीं भी रख सकते हो, मैं बी को यहाँ अज्यूम कर लेता हूँ कि बी अपना यहाँ पे है। ओके और अवे फ्रॉम सेंटर है। ओके बी जो है सो बी इज फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर लाइक एवरीवन एल्स। ओके जो एट फ्रेंड्स है, तो एफ के थर्ड राइट में एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी के थर्ड राइट में एफ है। तो जब बी आपका यहाँ है अवे फ्रॉम सेंटर में, राइट डिरेक्शन इस डिरेक्शन में आएगी आपकी, ये आपकी राइट डिरेक्शन होगी, तो आपको देखना है एफ कहाँ बैठेगा। सो 1, 2, 3, सो एफ आपका यहाँ आएगा डेफिनेटली। ओके यहाँ भी 1, 2, 3, तो एफ आपका यहाँ आ गया। आई होप क्लियर है, बिकॉज देखो यहाँ फर्स्ट लाइन में दिया है एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी हमने फिक्स कर दिया कि बी हमारा यहाँ है, यहाँ है। ओके दोनों पॉसिबिलिटी के कंडीशन में, और बी के थर्ड राइट में एफ है और बी जो है ये अवे फ्रॉम सेंटर फेस कर रहा है। ओके तो यहाँ पर हमारा एफ आ गया। ओके सो आई गेस यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी और एफ, ए जो है ये बी और एफ का इमीडिएट नेबर नहीं है। मतलब देखो बी यहाँ है तो ए यहाँ नहीं आएगा डेफिनेटली, और ए आपका यहाँ भी नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ अगर ए आता है यहाँ या यहाँ तो ये बी का इमीडिएट नेबर हो जाएगा और वो कंडीशन नहीं होना चाहिए। यहाँ भी आप देखो यहाँ भी ए नहीं आएगा बिकॉज ए इमीडिएट नेबर हो जाएगा बी का और हम वो नहीं चाहते। उसी के साथ साथ आगे दिया है आइदर बी और एफ, एफ यहाँ पर है हमारा, एफ का भी इमीडिएट नेबर ए नहीं रहेगा आपका, मतलब ए यहाँ भी नहीं आएगा, ए यहाँ भी नहीं आएगा। ओके सिमिलरली जो आपका ए है वो यहाँ भी नहीं आएगा और यहाँ भी नहीं आएगा। मतलब अगर आप देखो तो सिर्फ दो प्लेसेस बची है हमारे ए के लिए, बिकॉज अदर कंडीशन में क्या हो रहा है कि ए जो है ये बी या एफ का इमीडिएट नेबर हो रहा है दोनों पॉसिबिलिटी में। तो चार प्लेसेस पर वो नहीं आएगा, दो प्लेसेस पॉसिबल है कि वो इनमें से कहीं आ जाए। तो यही हमारा पॉसिबिलिटी का लॉजिक वर्क करता है। मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ओके सो अब पॉसिबिलिटी का लॉजिक यहाँ पर हमारा काम करेगा और हम इसी पॉसिबिलिटी को अज्यूम करके आगे बढ़ेंगे, और वो लॉजिक कैसे काम करेगा वो भी सीखना ज़रूरी है हमें। ओके सो मैं आपको बता देता हूँ। आई गेस आपको इतना तो समझ गया है अब कि कैसे आपको सॉल्व करना है इसे। मतलब जो कंडीशन दी हुई है कि ए जो है वो बी और एफ का इमीडिएट नेबर नहीं है दोनों पॉसिबिलिटीज में, तो ये दो प्लेसेस बची है। तो हम अज्यूम करते हैं कि ए हमारा यहाँ आएगा, पहले फिगर में ए हमारा यहाँ आ रहा है, लेट्स अज्यूम कि ए हमारा यहाँ है। दूसरे फिगर में अज्यूम करते हैं कि ए हमारा यहाँ है, दो ही पॉसिबिलिटी है
बिकॉज ये दो ही ऑप्शन अवेलेबल है कि ए हमारा कहाँ आने वाला है. ओके, इस चीज के लिए तो हमने अज्यूम किया कि फर्स्ट फिगर में ए हमारा यहाँ आ रहा है और सेकंड फिगर में ए हमारा यहाँ आ रहा है. तो अब आगे कंडीशन जहाँ भी सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम उस डायग्राम को कैंसिल कर देंगे. ओके, सो आगे क्लू है, सी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए. अब सी जो है ये ए के फोर्थ लेफ्ट में है और मैंने आपको बताया एकदम अपोजिट ही आएगा वैसे भी सी, अगर आप देखो तो. वैसे कंडीशन के हिसाब से भी मैं फुलफिल करके बता रहा हूँ, लेकिन जब भी एट पर्सन बैठा है और कोई भी फोर्थ टू द लेफ्ट या फोर्थ टू द राइट है तो आप अज्यूम कर सकते हो सेफली कि वो एकदम अपोजिट में ही आएगा. सो देख लेते हैं कि यहाँ दिया है सी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए. अब ए हमारा यहाँ पर है और ये अवे फ्रॉम द सेंटर फेस कर रहा है, मतलब सेंटर से दूर फेस कर रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर. तो राइट डायरेक्शन ये हुई, लेफ्ट डायरेक्शन जो है वो यहाँ आएगी. सो ए के लेफ्ट में फोर्थ पोजीशन देखो, सो वन टू थ्री एंड फोर. तो सी हमारा यहाँ आ रहा है, सेफली हम कह सकते हैं कि सी हमारा यहाँ आ रहा है. अगर आप देखो तो एकदम अपोजिट में दोनों. सिमिलरली यहाँ भी ए जो है इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर और इसी का आपको फोर्थ लेफ्ट देखना है. सो लेफ्ट डायरेक्शन ये रहेगी, सो वन टू थ्री फोर. तो सी जो है सो एग्जैक्टली अपोजिट आ रहा है. ओके, आगे अब बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे कंडीशंस कैसे फुलफिल होगी हमारी. ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी. ई जो है ये डी के थर्ड राइट पे है. ओके, ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, मतलब डी हमारा यहाँ है तो ई जो है सो ये हमारा थर्ड राइट पर रहेगा. ओके, जो विथ रिस्पेक्ट टू डी, बिकॉज वही दिया गया है ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी. अब डी कहाँ कहाँ आ सकता है, तो डी के लिए एक ये स्पॉट अवेलेबल है हमारे पास, एक स्पॉट ये है, एक स्पॉट ये है और एक स्पॉट ये है. दो तीन चार स्पॉट्स अभी अवेलेबल है फिलहाल. आगे लेकिन कंडीशन है कि ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, ये हमने यहाँ पर लिख लिया. ओके, वो इज नॉट द नेबर ऑफ सी. तो डी जो है ये सी का नेबर नहीं है. अब सी यहाँ है आपका फर्स्ट फिगर में, सी यहाँ है तो डी यहाँ नहीं आएगा. ओके, डी जो है डी यहाँ नहीं आएगा एज पर कंडीशन. उसके बाद में आगे और दिया है, पहले यहाँ देख लो, सेकंड फिगर में अगर हम देखें तो सी यहाँ है और डी इसका नेबर नहीं चाहिए, तो डी इस फिगर में यहाँ नहीं आएगा. आगे देखो, वो इज नॉट द नेबर ऑफ बी, मतलब सी जो है ये बी का नेबर नहीं होना चाहिए. बिकॉज देखो क्या दिया था, ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी. ठीक है, ई जो है वो डी के थर्ड राइट में बैठा है. आगे दिया है वो इज नॉट द नेबर ऑफ सी, तो ये डी के रिगार्ड में बात हो रही है कि डी इज नॉट नेबर ऑफ सी. तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज थी, तो हमने दोनों पॉसिबिलिटीज का यूज किया कि सी यहाँ है तो डी यहाँ तो नहीं आएगा. ओके, यहाँ तो ऑलरेडी एफ है तो ये स्पॉट इमीडिएट नेबर का एम्प्टी था, तो यहाँ तो डी नहीं आएगा. तो डी के लिए हमारे पास तीन स्पॉट है अब. ओके, वन टू एंड थ्री, ये तीन स्पॉट है. सेकंड फिगर में भी डी यहाँ नहीं आएगा बिकॉज सी का इमीडिएट नेबर हो जाएगा. और आगे एक कंडीशन दी है, वो इज नॉट द नेबर ऑफ बी, तो ये सी के कॉन्टेक्स्ट में है कि सी जो है वो बी का नेबर नहीं है. अब दोनों डायग्राम को अगर आप देखो तो सेकंड डायग्राम में बी और सी जो है ये इमीडिएट नेबर्स है. ओके, और पजल में दिया हुआ है कंडीशन में कि सी जो है ये बी का नेबर नहीं है, तो ये कंडीशन को वायलेट कर रहा है. तो इस पॉसिबिलिटी को हमें टोटली डिस्कार्ड करना होगा बिकॉज ये गलत है, बिकॉज जो हमें दिया गया है पजल में उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. बिकॉज यहाँ दिया गया है कि सी बी का इमीडिएट नेबर नहीं है, लेकिन यहाँ सी और बी दोनों एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हमें दिख रहे हैं, तो इस पॉसिबिलिटी को हमें डिस्कार्ड करना होगा. सो मैं इसे कम्प्लीटली इरेज कर देता हूँ. ओके, सो दैट स्क्रीन थोड़ी अच्छी भी दिखे. ओके, सो दैट्स द वे कि हम किसी भी पॉसिबिलिटी को इलिमिनेट कर सकते हैं. और यही अप्रोच हमारा रहना चाहिए कि हमें टाइम लेकर एक दो मिनट एक्स्ट्रा भी लगे, लेकिन पजल को पहले कंप्लीट करने की कोशिश करना चाहिए और उसके बाद फिर देखना चाहिए कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके,
सो जस्ट अ मिनट, अभी तक जितना करेक्टली हमने ड्रॉ किया है वो मैं साइड में एक बार आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, सो दैट आपको बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड ना लगे. ओके, सो ये हमारा सर्कल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एवरीवन इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर. ओके, सो डायरेक्शन कैसे स्पॉट करना है वो हम समझ चुके हैं. अब उसके बाद में अब जो पर्सन हमें फील करना है, तो ऑलरेडी हम बी को फील कर चुके हैं. बी तो वैसे भी हमें फिक्स रखना था, फिर बी के साथ हमने एफ यहाँ पर रखा, 1 2 3, यहाँ पर एफ आ गया. उसके बाद सी आपका यहाँ है, ए आपका यहाँ है. ओके, और डी आपका यहाँ नहीं आएगा. डी के लिए 1 2 3, ये 3 स्पॉट हमारे बचे हुए हैं. अब देखो यहाँ दिया है डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई. अगर ई यहाँ रहता, ओके, ई अगर हम यहाँ रखते, सपोज यहाँ हमारा ई है, तो राइट में थर्ड में 1 2 3 यहाँ बी आ रहा है, तो यहाँ हम अज्यूम नहीं कर सकते कि हमारा ई यहाँ रहेगा. ओके, बिकॉज यहाँ फिर डी आना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑलरेडी बी है. अगर यहाँ आप इसे रखते हो, ओके, सपोज यहाँ अगर आपने ई को रख दिया, इस जगह पर अगर ई को रख दिया हमने, ओके, और अवे फेस कर रहा है. ओके, सो डी इज, यहाँ पर जो कंडीशन है, ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी. ओके, सो ई जो है ये एक्चुअली थर्ड राइट पे. ओके, सो हमें डी अज्यूम करना होगा. जस्ट जस्ट अ मिनट. तो देखो कंडीशन जो है, तो इसमें दिया है ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी. तो अब हम डी को यहां अज्यूम कर लेते हैं कि डी हमारा यहां होगा. ओके, और ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, तो अवे में राइट डायरेक्शन फिर से आपकी इस डायरेक्शन में रहेगी, तो आपको देखना है ई कहाँ आ रहा है आपका. सो 1 2 3, अगर हम देखें तो ई यहां आ जाएगा. ओके, ई जो है हमारा वो यहां आ जाएगा. सो ये अब कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है हमारा, बिकॉज जितनी कंडीशंस हमें दी हुई थी गिवन पजल में, गिवन सिटिंग अरेंजमेंट में, उतनी सारी हमने फुलफिल कर ली है. सबसे पहली कंडीशन थी हमारी कि एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो बी और एफ में हमने रिलेशन निकाल लिया कि वो कैसे बैठेंगे. ए इज नॉट एन इमीजिएट नेबर ऑफ आइदर बी और एफ, तो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई. सी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई. ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी. ओके, सो ई जो है ये डी के थर्ड राइट में, तो डी अगर हम यहाँ अज्यूम करेंगे तो ई हमारा यहाँ आ गया. ओके, और डी जो है ये सी का नेबर नहीं है. ओके, सो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है. और सी जो है ये बी का नेबर नहीं है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. सी और बी, इनके बीच में कोई एक पर्सन बैठा है. अब सिटिंग अरेंजमेंट में सिर्फ दो लोग बचे हुए हैं, जी और एच, और दो स्पॉट बचे हुए हैं. तो एक तो जी हमारा यहाँ आएगा या एच यहाँ आएगा, और वाइस वर्सा आपका जी और एच यहाँ भी आ जाएगा. तो उसके लिए भी आप अलग से पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर सकते हो. जी और एच को जस्ट आपको अरेंज करना है, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम करेंगे. फिलहाल के लिए जो हमने सिटिंग अरेंजमेंट डिराइव की है ये हमारी 100% करेक्ट है. अब क्वेश्चंस पर चलते हैं. ओके, क्वेश्चन वन जो है, क्वेश्चन वन में दिया है वो अमोंग द फॉलोइंग इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई. ओके, तो आपको बताना है ई के थर्ड लेफ्ट पे कौन बैठा है. वो अमोंग द फॉलोइंग इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो ई आपको देखना है. सो ई आपका ये रहा. ओके, सो पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, सो दैट इजीली स्पॉट करना आसान हो जाएगा हमारे लिए. तो यस, सो ई हमारा यहाँ है. ओके, सो दिस इज अवर ई. और थर्ड लेफ्ट अगर हम देखें, अवे फ्रॉम द सेंटर फेस कर रहे, तो लेफ्ट इस डिरेक्शन में होगा. सो 1 2 3, तो अगर हम देखें तो डी आ रहा है यहाँ पर. ओके, ई का थर्ड लेफ्ट फिर से देख लो. सो लेफ्ट इस डिरेक्शन में आएगा, अवे फ्रॉम द सेंटर. सो 1 1 पे ए है, बी पे जी और एच इनमें से कुछ रहेगा, और 3 पर आपका डी रहेगा.
सो फर्स्ट पे ए है लेफ्ट, अगर आप देखो विथ रिस्पेक्ट टू ई। सेकंड पोजीशन पे जी और एच में से कोई आएगा, और थर्ड पे डी आ रहा है। सो करेक्ट आंसर इज आवर ऑप्शन वन डी। ओके, सो डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। सो आई होप इजी है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें। क्वेश्चन टू देखो, वो अमॉन्ग द फॉलोइंग इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के थर्ड राइट में कौन बैठा है। तो ये रही हमारी कंडीशन, एफ हमारा यहाँ पर है, अगर आप देखो एफ यहाँ है, और हमें देखना है लेफ्ट राइट डायरेक्शन क्या है। सो अवे फ्रॉम सेंटर है, तो राइट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगी विथ रिस्पेक्ट टू एफ। तो 1 2 3, तो ए आ रहा है। ओके, सो ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए, राइट ऑफ एफ। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। ओके, सो ए इज आवर करेक्ट। सो एज पर सिटिंग अरेंजमेंट ए जो है सो ये आपके एफ के थर्ड राइट में। क्वेश्चन 3 को देखो, इफ बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, देन वो अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड डी। तो आपको बताना है ए और डी के बीच में एग्जैक्टली कौन रहेगा अगर बी का इमीडिएट नेबर एच है। तो फिर से डायग्राम पर चलते हैं, डायग्राम जो हमने सॉल्व किया है। तो हमें बताना है ए हमारा कहाँ है, ए यहाँ है, डी हमारा यहाँ है। तो इन दोनों के बीच में कौन रहेगा अगर बी का इमीडिएट नेबर एच है। तो मतलब बी के बाजू में एच है, हमारे पास दो ही प्लेसेस बची थी कि जी और एच कहाँ रहेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है कि बी का इमीडिएट नेबर एच है, मतलब बी और एच यहाँ पर आ चुके हैं, अब सिर्फ जी बचा है। तो जी के लिए एक ही स्पॉट है जो कि ये पोजीशन बची हुई है, तो जी ऑटोमेटिकली आपका यहाँ आ जाएगा, और वो एग्जैक्टली ए और डी के बीच में आ रहा है। तो ए और डी के बीच में आएगा जी अगर बी का इमीडिएट नेबर है एच। ओके, सो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का सो वो है हमारा ऑप्शन 2 जी। ओके, सो आई गेस समझ में आ गया है आपको। किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत जाती है तो कमेंट करना, मैं डेफिनेटली आपको उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। वैसे दिक्कत नहीं जाएगी बिकॉज बहुत इजी है। क्वेश्चन 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द सेकंड पर्सन ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ फर्स्ट पर्सन। तो आपको ये बताना है कि सेकंड पर्सन जो है वो इमीडिएट राइट में है फर्स्ट पर्सन के। सो डायग्राम अगर आप देखो तो एक एक पर्सन को कंपेयर कर सकते हो। ओके, कि इमीडिएट राइट में कौन है। ओके, तो वैसे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट करके मुझे बताना डेफिनेटली। ओके, और गिव इट अ ट्राई, और उसके बाद में आपको इसका करेक्ट आंसर भी बता ही दूंगा कि क्या रहने वाला है। वैसे भी काफी इजी है, मैं जस्ट चाहता हूँ कि अरेंजमेंट आपके सामने है, फुल्ली हमने सॉल्व किया है, तो आप कोशिश करो इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की, सो दैट आपको भी इंगेजिंग लगेगा वीडियो और आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो क्वेश्चन 4 इज होमवर्क फॉर यू। ओके, सो सॉल्व इट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। ओके, सो डेफिनेटली क्वेश्चन 4 का जो आंसर है काफी इजी क्वेश्चन है वैसे, कि आपको जस्ट बताना है सेकंड पर्सन ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ फर्स्ट पर्सन तो कौन सी पेयर है। सो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ओके, डेफिनेटली आई विल वेट फॉर योर कमेंट। सो काफी इजी क्वेश्चन है, इसीलिए ये मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। आगे देखो क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। ओके, तो अब यहाँ सेंटेंसेस है और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से सेंटेंसेस सही है या नहीं। ऑप्शन 4 को अगर देखो तो यहाँ दिया है नन इज ट्रू। नन इज ट्रू के लिए तीनों गलत रहना जरूरी है, और 5 जो है तो वो नन ऑफ दीज है। ओके, सो नन ऑफ दीज जो है तो इसके चांसेस बहुत कम है यहाँ रहेंगे, कि नन ऑफ दिस में क्या इसका आंसर हो सकता है, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि नन ऑफ दिस ऐसे क्वेश्चन का आंसर हो। तो यहाँ आपको देखना है सबसे पहले कि जो तीन सेंटेंसेस है आपको दिए हुए तो इनमें से कितने सही है। तो पहला है बी एंड एच आर इमीजिएट नेबर्स, तो इसे देख लेते हैं। बी एंड एच आर इमीजिएट नेबर्स, अभी एक क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि बी एंड एच आर इमीजिएट नेबर्स है ऐसा अज्यूम करो, लेकिन असली में अगर आप देखो तो बी आपका यहाँ है
और इमीडिएट नेबर एक तो इसका ई है, ओके, सो ई की यहाँ बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है बी एंड एच। बी एंड एच आर इमीडिएट नेबर, लेकिन अगर आप देखो तो जी भी हो सकता है इमीडिएट नेबर बी का, फिक्स नहीं है कि एच ही होगा, तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, तो स्टेटमेंट वन जो है ये 100% हम ट्रू नहीं कह सकते, बिकॉज बी का इमीडिएट नेबर जी भी हो सकता है, तो एच ही रहेगा, ये 100% कन्फर्म नहीं है, तो इसीलिए जो सेंटेंस ऑप्शन वन है ये तो आपका सही नहीं होगा। टू देखो, ए एंड डी आर इमीडिएट नेबर ऑफ जी, वंस अगेन वही बात हो रही है, वैसे हमने अभी क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि जी एकदम बीच में आ रहा है ए और डी के, लेकिन वहां पर हमने अज्यूम किया था कि बी और एच इमीडिएट नेबर है, तो यहाँ देखो ए यहाँ है, डी आपका यहाँ है, और इनके बीच में भी जी और एच भी आ सकता है, ओके, सो जरूरी नहीं है कि जी ही रहेगा, तो हम अज्यूम नहीं कर सकते अनलेस हमें स्पेसिफिकली दिया है, तो इसीलिए हम यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस टू है इसे भी ट्रू कंसिडर नहीं कर सकते। थ्री में दिया है डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी, अगर ये गलत हो जाता है तो फिर आपका ऑप्शन फोर सही हो जाएगा कि नन इज ट्रू, मतलब सारे ही गलत है, तो हमें देखना होगा थ्री सही है या नहीं। डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी, तो सी देखो सबसे पहले कहाँ है, सी हमारा यहाँ है, अगर आप देखो तो सी हमारा यहाँ है, ओके, और हमें देखना है कि सी के राइट डायरेक्शन को, अगर आप देखो सेकंड राइट पे डी आना चाहिए, तो अवे फ्रॉम द सेंटर वंस अगेन इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो राइट डायरेक्शन ऑब्वियसली यहाँ होगी, और राइट में अगर आप देखो तो सेकंड पे कौन आ रहा है, फर्स्ट पे एफ है, सेकंड पर टी है, ओके, सी की बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू सी, राइट में फर्स्ट में एफ है, सेकंड पर डी है, और हमें वही दिया गया है सेंटेंस थ्री में कि डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी, जो कि 100% सही है, तो ये हमारा सही आंसर होगा, और फोर को भी हम डिस्कार्ड कर देंगे, ऑप्शन फोर और फाइव को, बिकॉज थ्री जो है ये करेक्ट है, ये हमें सिटिंग अरेंजमेंट से पता चल गया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, इसका फ्री पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल रहेगा। सो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट एंड फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, अगर आप बैंकिंग एंट्रेंसेस दे रहे हो तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आप इस टाइप के पजल को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, सो आई गेस जितने बेसिक्स मैंने आपको बताए और जो मेथड मैंने आपको बताई सॉल्व करने की, वो आपको समझ में आ गई होगी, तो अपने तरफ से प्रैक्टिस चलने दो, लेकिन लॉजिक बेसिकली यही यूज करना है कि इमीडिएट नेबर है या नहीं, अवे फ्रॉम द सेंटर बैठे हैं तो डायरेक्शन क्या होगी, लाइक दैट, बस यही सब कॉमन सेंस हमें ध्यान में रखना है। सो इसका फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ओके, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, लाइक कर दो वीडियो को, थोड़ी रीच बढ़ जाएगी, उसी के साथ साथ जो यूट्यूब चैनल एग्जाम कैसल, इसे सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकॉन हिट कर दो, सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट। ओके, और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हो, ऑफिशियल पेज डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी एग्जाम कैसल पे, यहाँ आप डीएम भी कर सकते हो, मुझे कोई डाउट होगा मैं डेफिनेटली रिप्लाई करता हूँ यहाँ। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।